मिश्रा साहब, आप कुछ बातें रखना चाहते हैं, आप रखें अपनी बात, मैं फिर दो, मैं शाहनवाज हुसैन के पास जाऊंगा। मैं दो वाकया कोट करना चाहता हूं, क्योंकि इससे ही इलस्ट्रेशन होगा कि शहीदों के फैमिली का क्या होता है। 1962 के वार में जब मैं था और मैं देश के लिए लड़ा, पता नहीं मैं शहीद नहीं हुआ किस लिए यह समझ में नहीं आया, लेकिन उसके वार के बाद हम लोगों ने खुद चंदे इकट्ठे किए थे 1962 के वार के बाद, और जो विडोज हुई थी उनको पैसे भेजे गए थे, क्योंकि हमको यह पता नहीं था कि कौन सहायता करेगा, कैसे किसी सहायता मांगी जाए। आज वो माहौल थोड़ा बदली हुआ है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज में वीर नारियों की जो विडो होते हैं उनका क्या होता है। 1978 में मैं बटालियन कमांड कर रहा था ट्रिवेंड्रम में, वहां पर फ्लैश फ्लड आया, हमारा एक लांस नायक ओमन, छोटा सा आइलैंड था, उसमें एक झोपड़ी थी, वहां पर तीन लोग फंसे थे, वो तैर के जा रहा था, उनको बचाने के लिए वो वॉश आउट हो गया उसमें फ्लड में और मर गया। बॉडी उसको हमको 3 किलोमीटर बाद मिली। मैं वहां पर राज्यपाल उस वक्त वेंकटचलम थी, ज्योति वेंकटचलम, मैं उनके पास गया, उनसे एड लिया और उसके वाइफ के लिए एक मिड वाइफ की जॉब ली। जब मैं उसके गांव में गया, ओमन के गांव में, तो वहां पर गांव वाले हमको ये फोर्स करने लगे कि जो आप पैसा लाए हैं इसमें आप 3 हिस्सा करिए, और एक हिस्सा उसके बाप को दीजिए, एक हिस्सा उनके भाइयों को दीजिए, और एक उसके वाइफ को देना चाहिए। मुझे इतनी दिक्कत हुई, लेकिन मैं डिटरमिन्ड था कि मैं पैसा लेके वापस जाऊंगा, उस लड़की को मैं अपने ट्रुप्स को भेज के अपने यहां बुलाऊंगा, अकाउंट खुलवाऊंगा, उसमें जमा करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि अब आज के दिन समाज को सेंसिटाइज करने के लिए यह बहुत आवश्यक है, और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं ऐसे पैनल पर बैठा हूं जहां 3 बहुत बड़े लीडर हैं और मुख्तलिफ 3 पार्टियों के हैं। मैं इनसे यह निवेदन करना चाहूंगा, खास तौर से जो आज सरकार में नहीं है उनसे, कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस का रूल बन सकता है, एक्ट बन सकता है, और अगर एंटी डाउरी एक्ट बन सकता है, तो वीर नारी विडो जो वार में विडोज होते हैं उनको वीर नारी कहते हैं हमारे फौज में, तो वीर नारी एक्ट क्यों नहीं बन सकता है। वीर नारी एक्ट, इन लोगों से मेरी प्रार्थना है कि ये इनिशिएटिव लें, खास तौर से जो अपोजिशन में हैं, वीर नारी एक्ट के लिए एक प्रावधान कराएं जिससे कि इनकी और दुर्दशा नहीं हो जो मैंने फेस की हुई। ठीक है, बताइए शाहनवाज हुसैन, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये मिश्रा साहब का अनुभव है और उनके अनुभव की का महत्व भी है, क्योंकि वो दिक्कतें देखी हैं। मैंने कहा, देखिए, मैं ये जो डिबेट आपकी है, जो भी आपकी डिबेट तो बहुत हॉट होती है रोहित जी, लेकिन ये डिबेट जो है वो बहुत वस्तु से लगी हुई डिबेट है, और मैं समझता हूँ कि इसमें विषय ऐसा आपने चुना है जिस पर राय अलग नहीं हो पा रही है, राय एक बन पा रही है। अब मैं समझता हूँ कि देखिए, दो बातें तो आप मानेंगे, मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा, त्यागी साहब अफजल साहब ने भी इसका जिक्र किया है कि 98 कारगिल वार के बाद एक चेतना जगी लोगों में और वो बॉडी जाने लगी, उसके बाद लोगों का ध्यान उधर गया। बहुत सही बात। अभी भी प्रधानमंत्री ने जो वन रैंक वन पेंशन का विषय था, वो विषय प्रधानमंत्री जी ने उसको आसान काम नहीं था, समझिए। हमसे कोई पूछे कि आपके सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो मैं पहला नाम लूं वन रैंक वन पेंशन, क्योंकि फौज के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं, शहीद जिन्होंने सर्व किया या वो शहीद नहीं हुए उनकी भी दिक्कतें बहुत सारी थी, उसको एड्रेस किया गया है। लेकिन जो मिश्रा जी ने विषय उठाया कि वीर नारी के साथ, इस पर त्यागी साहब ने ही विषय पहले उठाया कि फिल्म बनी और बहुत सारी दिक्कतों का सामना है, जब पेट्रोल पंप मिलेगा, कौन मालिक होगा, परिवार के लोग आएंगे, तो इस पर एकदम राय और इस पर कानून एक जैसा बन जाना चाहिए। मैं इनकी बात को मनोहर पर्रिकर जी के सामने जरूर जाकर रखूंगा, मिश्रा जी की बात वो खुद भी पर्रिकर जी को अच्छे से जानते हैं, वो भी रख सकते हैं, हम सब इस बात को रखेंगे। और जहाँ तक शहादत होती है, तो शहादत पर मैं समझता हूँ उनके परिवार के लोग विषय उठाते हैं, हम सब के लिए एक रक्षक जाता है, शहीद एक परिवार का सदस्य नहीं होता, बल्कि इस
ये जो भारत माता है जिसके 121 करोड़ लोग रहने वाले हैं, हर व्यक्ति को दुख होता है कि हमारा रक्षक चला गया है और उसका दर्द सबको होता है। और ये सही वक्त है कि इस पर राय बननी चाहिए कि जो शहीद हैं उनके परिवार में कहाँ चेक जाना चाहिए, किनको मिलना चाहिए। एक राय बननी चाहिए कि अलग अलग राज्य के अंदर कितना मुआवजा मिलना चाहिए। फौज के अंदर जो चीजें हैं वो आप स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, ठीक, कि उनको पूरा जब तक वो सर्विस थी वो पैसा मिलेगा। हाँ। उसके बाद जो भी इंतजाम है होगा, उनके बच्चों के पढ़ाई का इंतजाम, जैसे आपने बताया कि BDS में 2 सीट रिजर्व है। सर मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूं, फौज के जो लोग शहीद होते हैं उनके बच्चों के लिए और रिजर्वेशन की जरूरत है। मैं छोटी सी चीज पर भी एक व्यापक विचार विमर्श की जरूरत है। आप मुझे समझता है बिना राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको इस पर सोचना चाहिए। सर मैं एक बहुत छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ। मीम अफजल साहब, वीकेंड पे हमारे देश का अपर मिडिल क्लास जो पिक्चर देखने जाता है, वो अगर महीने की 4 में से केवल एक पिक्चर अपनी कुर्बान कर दे तो 1000 रुपये बचा सकता है वो एक फौजी के परिवार के लिए। और हमारे देश की राज्यों की सरकारें, 29 राज्य हैं सर, जब 1-1 करोड़ रुपए चाय पानी पे उड़ा देती हैं सर, क्या कोई एक सेंट्रलाइज फंड नहीं बन सकता ऐसा देश के फौजियों के लिए, जिसमें राज्यों की सरकारें भी और देश के आम नागरिक भी चाहें तो वो थोड़ा सा अपनी तरफ से एक हिस्सा डाल सके? देखिए, ये तो जो सरकार को करना चाहिए, मैं समझता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा कि आपने कहा कि आप सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे, तो मेरा वादा है कि हम कोशिश करेंगे। और सरकार अगर ऐसा कोई बिल लाती है तो मैं सबसे ज़्यादा आगे बढ़ करके कोशिश करूँगा कि उसको एक्सेप्ट भी किया जाए और वो यूनानिमसली पार्लियामेंट से पास हो। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तजवीज़ आई है कि एक बिल ला करके एक एक्ट बनना चाहिए कि शहीद के परिवारों के लिए किस तरह की सुविधा होनी चाहिए, उनके बच्चों का ध्यान करते हुए, उनके हालात का ध्यान करते हुए। और ख़ास तौर पर दूसरा जो आपने अभी सजेशन दिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भारत का एक बैंक है, उसके अंदर एम्प्लॉयज़ यूनियन एक है, और एम्प्लॉयज़ यूनियन उस ज़माने में, आज से 20 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जब मैं पार्लियामेंट का मेम्बर था और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो मुझे पता लगा कि उन्होंने बताया, आकर के बताया कि हम लोग 50 रुपये महीना सारे एम्प्लॉयज देते हैं और ये हम एक खास फंड में जमा होता है, अगर किसी की अचानक किसी वजह से डेथ हो जाती है तो हम उसकी बेवा को एक तो मंथली देते हैं, जो उसको पेंशन मिले वो सब अलग है, उसके अलावा हम एक बाकायदा मंथली देते हैं और उसको एक अमाउंट देते हैं शुरू में, और बच्चों की तालीम के लिए हम उसका इंतजाम करते हैं। गलती से कहीं उस आमदनी पर जो पैसा जमा हुआ था वो करोड़ों रुपया था, तो उस पर टैक्स लगा दिया गया था। तो मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास गया और मैंने कहा साहब ये तो वेलफेयर का काम है, इसके ऊपर टैक्स है। तो उन्होंने कहा कि अगले बजट में हम इसको ठीक करेंगे और उन्होंने ठीक भी कर दिया। तो मैं समझता हूँ फौज में भी एक बड़ी तादाद है और जाहिर है कि शहादत तो फौज के साथ जुड़ी हुई है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको सामने रखकर फौजी फौज में जाता है कि वो कभी भी किसी वक्त भी उसकी शहादत हो सकती है। तो एक फौज के अंदर भी एक ऐसा फंड कायम किया जा सकता है कि एक छोटा सा अमाउंट हर फौजी दे और उसके बाद जो उनकी फैमिलीज हैं उसको बाद में उसके यानी उसकी आमदनी से वो इतना बड़ा काम कर रहे थे सर, वो तो शहीदों के लिए भी इतना बड़ा काम हो सकता है। लेकिन एक बात सही है सर, आर्मी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन है वो काम करती है, वॉर विडोज के फंड्स बने हैं। हमारा सवाल ये है, क्या हम अपने तौर पे इस देश के नौकरी पेशा लोगों के तौर पे, इस देश के उद्योगपतियों के तौर पे, इस देश की सरकारों के तौर पे, राज्यों की सरकारों के तौर पे, क्या एक सेंट्रलाइज्ड ऐसी कोई व्यवस्था कर सकते हैं जिससे कम से कम कभी दोबारा इस देश के किसी शहीद के परिवार को ये एहसास ना हो कि उसके बेटे की, उसके पति की, उसके भाई की शहादत पे मोल भाव किया जा रहा है, उसका रेट तय किया जा रहा है, उसकी बोली लगाई जा रही है। और हम उम्मीद करते हैं आज हमारे साथ जो मेहमान थे उन्होंने जो वादा किया है कि देश की संसद में ये आवाज़ जाएगी, ये बात उठेगी और इस दिशा में कोई ना कोई कदम बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज एक पॉजिटिव डिबेट के लिए। कम से कम शहीदों के परिवारों को, जिनको सरकारों से होने वाले ऐलान सुन के दुख हो रहा होगा, आपकी बातें सुन के हमें लगता है थोड़ा सा मरहम जरूर लगा होगा।